हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, लास्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट डेप्थ. हम लोगों ने एपरेंट डेप्थ पढ़ा था और आज हम लोग इस वीडियो में उसके कुछ शॉर्ट एग्जांपल में लूंगा और उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जिसे हम लोग एपरेंट शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है ना. और फर्दर उसके एप्लीकेशन पे कुछ आएंगे. तो मैं एक मिनट में रिवाइज करा देता हूँ कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एपरेंट डेप्थ. तो एपरेंट डेप्थ का जो रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा था फॉर नॉर्मल विजन, फॉर नॉर्मल व्यू के लिए हम लोगों ने रिजल्ट पढ़ा था म्यू ऑब्जर्वर रियल डिस्टेंस अपॉन इट्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. जो एपरेंट डिस्टेंस आती थी किसी भी, अगर हम नॉर्मल व्यू में देख रहे हैं, सपोज मान लेते हैं ये कंटेनर है बेटा, और इस कंटेनर में अगर मान लेते हैं कि एच हाइट तक कोई मीडियम भरा हुआ है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, और अगर कोई ऑब्जर्वर नॉर्मल व्यू में देख रहा है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है, ऑब्जर्वर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू ओ है या म्यू ऑब्जर्वर है, तो ये जो डेप्थ एच होगी वो इस ऑब्जर्वर को कितनी दिखाई पड़ेगी. ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल डिस्कशन किया है यूजिंग रे डायग्राम. तो आप लोग लास्ट वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है इस वीडियो से पहले, तो प्लीज उसको देख लीजिए कि कैसे ये फॉर्मूला आया है, ठीक है ना. तो हम लोग ऑब्जर्वर के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और ये रियल डिस्टेंस होती है, ये किस डेप्थ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वीडियो. अगर मल्टीपल मीडियम हो और हम नॉर्मल व्यू में देख रहे हो, तो मल्टीपल मीडियम के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑब्जर्वर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हम बाहर ले लेंगे. सपोज कुछ इस तरह की सिचुएशन हो कि अगर हमारे पास कंटेनर है और बहुत सारे मीडियम है, ये म्यू वन है, ये म्यू टू है, ये म्यू थ्री है और ये म्यू ऑब्जर्वर है. यहां से अगर कोई ऑब्जर्वर इस डेप्थ को देख रहा है, दिस इज एच थ्री, दिस इज एच टू, दिस इज एच वन, तो इसकी जो नेट एपरेंट डेप्थ दिखाई पड़ेगी यहां से लेके यहां तक जो एपरेंट वैल्यू नजर आएगी फॉर दिस ऑब्जर्वर, इट इज एच वन बाय म्यू वन प्लस एच टू बाय म्यू टू प्लस एच थ्री बाय म्यू थ्री. तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हम बार बार अप्लाई करेंगे, ठीक है ना. तो मैं सबसे पहले इस पे एक दो एग्जाम्पल डिस्कस कर देता हूं कि कैसे हम इस रिजल्ट को, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं. ऑब्जर्वर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमेशा बाहर आएगा, दिस इज रियल डिस्टेंस अपॉन इट्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, अनदर रियल डिस्टेंस अपॉन इट्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, अनदर रियल डिस्टेंस अपॉन इट्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना. नॉर्मल व्यू के लिए हम लोग ये रिजल्ट अप्लाई करते हैं बच्चों, नॉर्मल व्यू के लिए, नॉर्मल व्यू या नॉर्मल विजन के लिए कह सकते हैं. तो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, इस पे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं. सबसे पहले एक सपोज ये हमारे पास एक वाटर टैंक है, इस तरह का एग्जाम्पल मैं ले चुका हूं लास्ट वीडियो में, एक और देख लेते हैं. और ये वाटर टैंक में एक फिश है, मान लेते हैं ये फिश है, कुछ ये फिश है, ठीक है. इसकी डायग्राम पे मत जाओ यार, फिश ऐसी आती मुझे बनानी. और यहां पर बच्चों एक बर्ड है, मान लेते हैं इसके ठीक नॉर्मल व्यू में ये बर्ड है हमारी, ये कुछ डिस्टेंस सपोज दी गई है हम लोग को 60 फीट, और ये वाली डिस्टेंस सपोज मान लेते हैं इट इज 80 फीट. तो ये कुछ डिस्टेंस दी गई है, बर्ड है और ये फिश है. वाटर का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है बच्चों इट इज 4/3, और जो एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ये मान लीजिए 1 है. अब अगर हमसे कहा जाए कि फाइंड आउट एपरेंट डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड बर्ड एज सीन बाय फिश, फिश और बर्ड के बीच की जो डिस्टेंस है वो फिश को कितनी दिखाई पड़ेगी, और जो सेम डिस्टेंस है वो फिश और बर्ड के बीच की बर्ड को कितनी दिखाई पड़ेगी. मतलब एक बार हमारी फिश बर्ड को देख रही है, ऑब्जर्वर जो है वो फिश है, और एक बार हमारी बर्ड जो है वो फिश को देख रही है, जो ऑब्जर्वर है वो बर्ड है. बोथ केसेस में
जो डिस्टेंस अपीयर होगी वो कितनी होगी अगर हम वो फॉर्मूला यूज करें तो उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जब भी रिजल्ट फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हो नॉर्मल व्यू वाला, तो ये देखो कि किन दो पॉइंट के बीच में एपरेंट डिस्टेंस आपको लिखना है। तो सपोज आपको बर्ड और फिश के बीच में एपरेंट डिस्टेंस लिखना है, इस क्वेश्चन को अगर मैं आंसर दूं, और सीन बाई क्या है, फिश है, मतलब जो ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर फिश है, ठीक है। तो यहां पर डिस्टेंस, जो एपरेंट डिस्टेंस आएगी, मैं इसे एक्स एपरेंट से लिख देता हूं या एच एपरेंट लिख ले रहा हूं, तो सीन बाय फिश, तो ऑब्जर्वर बच्चों फिश हो जाएगा। तो फिश का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ऑब्जर्वर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बाहर आएगा म्यू ऑब्जर्वर एच वन बाय म्यू वन प्लस एच टू बाय म्यू टू, ठीक है ना। ये रिजल्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो ऑब्जर्वर हमने किसको माना है, फिश को, तो फिश का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बच्चों बाहर रख दीजिए। अब ये वाली मीडियम को सपोज मैं एच वन मान लेता हूं, तो 80 डिवाइडेड बाई 4 बाई 3 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 1, ये एच टू है और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1, तो आप देख सकते हैं ये 80 आएगा प्लस ये आपका ये भी 80 आएगा, इट इज 160 फीट। मतलब अगर मैं फिश से पूछूं कि बर्ड तुमसे कितनी दूर है, तो फिश को ऐसा अपीयर होगा कि बर्ड की जो डिस्टेंस है उससे वो 160 फीट है, जबकि हकीकत में देखा जाए तो रियल जो डेप्थ है रियल वो 140 फीट है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, रियल डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश, इट इज 140 फीट, मतलब जो 20 फीट है वो ज्यादा दिखाई पड़ेगी। आप ऐसे कह दो, कह सकते हो कि फिश को ये बर्ड का जो वर्चुअल इमेज दिखाई पड़ेगा, अभी मैं रे डायग्राम से समझाऊंगा इस बात को, ये 20 फीट दूर दिखाई पड़ेगी। तो अगर हम यहां पे एक शिफ्ट कैलकुलेट करें, जिसे हम एपरेंट शिफ्ट कहते हैं, कि ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल पोजीशन से कितना दूर या कितना पास दिखाई पड़ रहा है, उसे हम शिफ्ट कहते हैं, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। तो जो चीज 140 फीट की डिस्टेंस पे है वो चीज 160 फीट पे दिखाई पड़ेगा, मतलब जो एपरेंट शिफ्ट होगा इट इज सिंपल द डिफरेंस बिटवीन रियल डिस्टेंस एंड एपरेंट डिस्टेंस। तो रियल डिस्टेंस इज 140 फीट एंड एपरेंट डिस्टेंस इज 160 फीट। तो आप कह सकते हो कि जो एपरेंट शिफ्ट है ये 20 फीट होगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर दिखाई पड़ेगी वो, 140 फीट की जगह 160 फीट दिखाई पड़ेगी, ठीक है। सेम बच्चों अगर क्वेश्चन मुझे करना हो, अगर मुझे एपरेंट डिस्टेंस सीन बाई बर्ड देखना हो, अगर मैं बर्ड से कहूं कि फिश को देखे, ऑब्जर्वर बर्ड को बना लिया जाए, तो यही डिस्टेंस कितनी अपीयर होगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो ऑब्जर्वर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वो बच्चों 1 हो जाएगा, बर्ड हमारी एयर में है और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो आएगा इसका 80 डिवाइडेड बाई 4 बाई 3 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 1, तो आप देख सकते हो ये 20 इंटू 3 60, ये 120 फीट आएगा। मतलब ये है कि जब बर्ड देखेगी फिश को तो डिस्टेंस जो दिखाई पड़ेगी वो 120 फीट दिखाई पड़ेगी, एक्चुअल 140 है, तो बर्ड जब फिश को ऊपर नीचे देखेगी तो 140 फीट की डिस्टेंस पे जो एक्चुअली में फिश है वो 120 पे नजर आएगी। मतलब जो शिफ्ट है वो यहां पर भी 20 फीट है बट टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, बर्ड को फिश रिलेटिवली पास नजर आ रही है और फिश को जो बर्ड है वो दूर नजर आ रही। उसका रीजन सिंपल ये है कि इस वाले केस में ऑब्जर्वर खुद डेंसर मीडियम में है और इस वाले केस में जो सेकंड केस है उसमें ऑब्जर्वर हमारा रेयरर मीडियम में, यानी कि जो हम डिस्टेंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस डिस्टेंस को हम देख रहे हैं वो हमें एपरेंट डिस्टेंस ज्यादा होगी या कम होगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर एक्चुअली किस मीडियम में है, ठीक है। तो चलिए इसको हम थोड़ा रे डायग्राम से समझ लेते हैं कि कैसे ऐसा हो रहा है। तो मैं दोनों रे डायग्राम बना देता हूं, दोनों रे डायग्राम समझ लो तुम। सपोज मान लेते हैं बच्चों जब ऑब्जर्वर हमारी बर्ड रही होगी, यहां पे फिश है सपोज और यहां पे बर्ड ऑब्जर्वर है, तो इसे हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये प्लेन सरफेस है,
इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ये एयर है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम। तो यहां से चलने वाली लाइट रे ऐसे जाएंगी, वैसे तो पैरेक्सियल रेज होती हैं, बट मैं थोड़ा सा दूर बना रहा हूं ताकि चीज समझ में आए। तो थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हट जाएंगी और थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हट जाएंगी। तो मैं मान लेता हूं थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूं डायग्राम को। ये हमारी बर्ड है, यहां पर उसकी आंख है ये। तो ये जब लाइट रे जाके ऐसे बर्ड की आंखों पे पहुंचेगी, तो चूंकि ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट गई है, तो इनको जब आप ऐसे मिलाएंगे तो ये आपको ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, ये वर्चुअल इमेज। मतलब फिश की जो वर्चुअल इमेज है वो थोड़ा रिलेटिवली ऊपर बनेगी, इसीलिए जो डिस्टेंस एक्चुअली में 160-140 फीट थी वो हमारी बर्ड को यहां तक आप कह सकते हो 120 फीट दिखाई पड़ रही थी। 20 फीट जो शिफ्ट है वो ये डिफरेंस कहलाएगा, रियल डिस्टेंस और अपेरेंट डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, ठीक है। तो शिफ्ट यहां पर कितनी होगी, 20 फीट टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं आगे चल के, बट अभी आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझ लो कि शिफ्ट कैसे कहते हैं, ठीक है, और अपेरेंट डिस्टेंस क्या है। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं इसका दूसरा रे डायग्राम बनाऊं, मान लेते हैं ये बर्ड है हमारे पास, ठीक है, और ये बर्ड को ऑब्जर्वर फिश है यहां पे। तो अगर ऑब्जर्वर फिश है तो फिश अगर बर्ड को देख रही है तो बर्ड से चलने वाली लाइट रे रिफ्रेक्ट होके फिश की आंखों तक पहुंचेंगी, उससे जो इमेज बनेगी वो हमारी फिश को नजर आएगी। अभी हमारा ऑब्जर्वर फिश बर्ड था, इसलिए फिश से चलने वाली लाइट रे ऑब्जर्वर की आंखों तक यानी बर्ड की आंखों तक हमें पहुंचानी थी। तो अब तुम देखो यहां से जो लाइट रे बच्चों आएगी, इसको थोड़ा मैं पास कर लेता हूं, तो ये लाइट रे कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है, और चूंकि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो नॉर्मल से थोड़ा पास झुक जाएंगी। ऐसे नॉर्मल के थोड़ा पास आ जाएंगी और ये हमारी सपोज दैट ये आंखें हैं, ठीक है, ये आंखें हैं, ये फिश है, यहां पे फिश की आंखों तक पहुंच रही हैं, बहुत ही पास पास होंगी लाइट रे, पैरेक्सियल रेज होंगी। बट डायग्राम को थोड़ा क्लियर बनाने के लिए मैंने थोड़ा दूर बनाई है इन लाइट रेज को, चूंकि थोड़ा सा लाइट रे इस तरह से आके ऐसे हो गई है। जब इनको मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो ये लाइट रे कहां से आती हुई महसूस होंगी, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल इमेज बनेगी। मतलब जो बर्ड की वर्चुअल इमेज बनेगी वो थोड़ा सा दूर बनेगी। रे डायग्राम हमारे समझने के लिए हमें एग्जाम में रे डायग्राम बनाना नहीं पड़ेगा, बस आपको समझा रहा हूं कि ये डिस्टेंस 140 फीट थी, पर आप देख सकते हैं बर्ड रिलेटिवली दूर नजर आ रही थी, इसीलिए ये हमें 160 फीट महसूस हो रही। तो ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर डेंसर में है रिलेटिवली या रेयर मीडियम में है, तो लाइट रे जो आ रही है वो किस तरह से नॉर्मल से बेंड होगी उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से हमें जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमें दूर नजर आएगा या ऑब्जेक्ट हमें पास नजर आएगा, ठीक है बच्चों। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कोई भी सिंपल से सिंपल क्वेश्चन, मल्टीपल मीडियम बाउंड्री। सपोज यहां पर बहुत सारी मीडियम बाउंड्री और यहां पर एक ऑब्जर्वर है, नॉर्मल व्यू में दो लोग हैं, सपोज ये ऑब्जर्वर ए है, ये बी है, दो पर्सन है, बिल्कुल ठीक सामने से देख रहे हैं एक दूसरे को, एंड दिस डिस्टेंस इज सपोज 20 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 30, दिस डिस्टेंस इज 40 एंड दिस डिस्टेंस इज 15। इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 3 है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2 है। अब मान लेते हैं अगर हम तुमसे कहें कि दोनों नॉर्मल व्यू में एक दूसरे को बच्चों देख रहे हैं, तो ये सिंपल एक न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर मैं कहूं कि डिस्टेंस बिटवीन, एपरेंट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस एक्चुअली में कितनी, अगर मैं रियल डिस्टेंस की बात करूं तो रियल डिस्टेंस 20 + 30 = 50 = 90 = 105 मीटर सपोज। तो रियल डिस्टेंस जो है वो 105 मीटर है, बट अगर मैं कहूं कि ऑब्जर्वर ए अगर बी को देख रहा होगा, तो तुम सोचो जो बी से लाइट रे चलेंगी ए तक पहुंचेंगी, उनका कई बार रिफ्रेक्शन होगा। अब हम हर बार रे डायग्राम नहीं बना सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा प्रोसेस,
ठीक है ना। बट डेफिनेटली अगर आप बेसिक से भी जाओगे तो 10 मिनट जरूर लगेगा, पर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसलिए हम आपको एक रिजल्ट डायरेक्टली बता दिया कि इसको किस तरह से अप्लाई करना है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे चल के इस ऑब्जर्वर की आंखों तक आ रही, तो ऑब्जर्वर ये है, तो अगर मैं एपरेंट डिस्टेंस ए और बी के बीच की ले रहा हूं, सीन बाई विद रिस्पेक्ट टू किसके ले रहा हूं, तो ए के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं। तो बच्चों ए के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं, मतलब जो ऑब्जर्वर है वो हमारा कौन है, ए ऑब्जर्वर है, ठीक है बच्चों। तो अगर ए ऑब्जर्वर है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसका क्या आएगा, ऑब्जर्वर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमने 1 ले लिया, तो ऑब्जर्वर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आप बाहर रख देंगे। चलिए अब यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, यहां से नहीं पूछी गई ए और बी के बीच की, तो इस वाले सेगमेंट को भी लेना, इसको भी और इसको भी। तो इट इज रियल डिस्टेंस 20 डिवाइड बाय 1, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 30 डिवाइड बाय 3, 40 डिवाइड बाय 2 और 15 डिवाइड बाय 1.5। तो ये आपकी आ रही 20 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 10, इट इज 30 60 मीटर। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि मैंने ए से पूछा कि बी कितनी दूर है तुमसे, तो ए से बी को, जब ए ने बी को देखा तो वो उसे 60 मीटर की डिस्टेंस पे दिखाई पड़ रहा है। तो जो चीज 105 मीटर की डिस्टेंस पे है वो 60 मीटर की डिस्टेंस पे नजर आएगा। तो दिस इज योर एपरेंट डिस्टेंस, दिस इज योर रियल डिस्टेंस, एंड व्हाट इज शिफ्ट, तो इसे हम एपरेंट शिफ्ट कहते हैं, इट इज डिफरेंस ऑफ रियल डिस्टेंस एंड एपरेंट डिस्टेंस। तो 105 फीट है, 60 नजर आ रहा है, तो जो शिफ्ट है उसे 45 मीटर शिफ्ट कह सकते हो, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो अपेरेंटली 45 मीटर पास नजर आ रहा है, क्योंकि अपेरेंट वैल्यू कम है, तो जो चीज दूर है वो करीब नजर आ रही है, करीब का मतलब टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जो शिफ्ट है उसकी डायरेक्शन जो होगी वो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब ए को जो बी है वो थोड़ा पास यहां ना नजर आके कहीं यहां कहीं नजर आ रहा होगा, करीब नजर आ रहा होगा, ओके। सिमिलरली अगर मैं सेम क्वेश्चन में अपेरेंट डिस्टेंस कैलकुलेट करूं विद रिस्पेक्ट टू बी, ए और बी के बीच की अपेरेंट डिस्टेंस बी के रिलेटिव में कैलकुलेट करूं तो ऑब्जर्वर बी हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, ऑब्जर्वर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बेटा बाहर आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जर्वर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बाहर रख दीजिए, अंदर वाली क्वांटिटी सेम रहेगी बेटा, एच वन बाई म्यू वन या एक्स वन बाई म्यू वन, एक्स टू बाई म्यू टू, एक्स टू एक्स थ्री बाई म्यू थ्री, एक्स फोर बाई म्यू फोर, तो ये आपका आ जाएगा 20 प्लस 10 30 प्लस 20 50 60 into 1.5 = 90 meter। तो ये पर यहां पर भी अगर बी देखेगा ऐसे ए को, तो ए जो है बी को वो 90 मीटर की डिस्टेंस पे नजर आएगा, जो बी देखेगा जब ए को, तो ये 105 तो इसको था एक्चुअल डिस्टेंस थी, बट इसे जो ए है वो 90 मीटर की डिस्टेंस पे नजर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी आपका जो है शिफ्ट कितना आएगा, यहां पर अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से शिफ्ट देखा जाए तो इट इज 15 मीटर टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, बी को 15 मीटर करीब नजर आएगा। तो यहां पर आप ये भी समझ लीजिए कि आप एपरेंट डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ एपरेंट शिफ्ट बेसिकली क्या होती है। कुछ क्वेश्चन हमारे सिंपल फॉर्मूले के थ्रू हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल शिफ्ट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसको आपको समझना जरूरी है। तो बच्चों इस तरह से आप शिफ्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो ए को देखिए, ए और बी के बीच की रियल डिस्टेंस 105 है, जब ए ने देखा तो बी, ए कहेगा मैं, सपोज ये दोनों दोस्त है, तो ए कहेगा बी से तुम मुझसे 60 मीटर की डिस्टेंस पे हो, ये कहेगा भाई झूठ बोलते हो तुम मुझसे 90 मीटर की डिस्टेंस पे हो, तो दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग यार दोनों को समझाएंगे कि थोड़ा पढ़ लिख लो फिजिक्स तो समझ में आ जाएगा, ना 90 मीटर है ना 60 मीटर है तो 105, पर दोनों को अलग अलग दिखाई पड़ रही है, थोड़ा ज्ञान देंगे हम उनको, ठीक है। तो चलो बेटा फिर एक एग्जांपल और देख लेते हैं। शिफ्ट का एक एग्जांपल हम और कंसीडर करेंगे। अच्छा, अगर मल्टीपल मीडियम में ये फॉर्मूला डिराइव, किस लास्ट मीडियम क्लास में हम लोगों ने सिर्फ एक मीडियम के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था,
अगर मल्टीपल मीडियम के लिए ड्राइव करना हो तो कैसे फॉर्मूला आया था, मैं थोड़ा सा एक बार बना के दिखा देता हूं आपको यूजिंग रे डायग्राम। जैसे मान लीजिए ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, हमने कहा कि ये अगर H1 है, ये म्यू वन है और ये एच टू है और ये म्यू टू है और यहां पर ऑब्जर्वर म्यू है, यहां पर एक ऑब्जर्वर है, ये उसकी आंख है, ठीक है। तो ये जो यहां पर अगर एक ऑब्जेक्ट है तो इसकी जो एपरेंट नजर आएगी सिर्फ यहां से लेना है, तो हमने कहा कि ये जो एपरेंट डिस्टेंस होगी ऑब्जर्वर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ले लेंगे। अगर यहां से काउंट करें तब तो इस डिस्टेंस को भी काउंट करेंगे, पर सिर्फ कंटेनर की अगर एपरेंट डेप्थ पूछ रहे हैं तो यहां से शुरू करेंगे। तो हमने कहा एच वन बाई म्यू वन प्लस एच टू बाई म्यू टू। ये रिजल्ट मैंने डायरेक्टली लास्ट वीडियो में बता दिया था कि किस तरह से एक मीडियम का निकाला था और दो के लिए जनरलाइज कर दिया था। आप चाहो तो रे डायग्राम से इस बात को समझ सकते हो। कैसे समझोगे? देखो सबसे पहले बच्चों यहां से एक लाइट रे जाएगी, ठीक है, इनका रिफ्रेक्शन होगा। लेट अस सपोज कि म्यू वन बड़ा है म्यू टू से और म्यू टू बड़ा है म्यू से, लगातार रेयर मीडियम में थोड़ा डायग्राम क्लियर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हो जाएगी, मैं थोड़ा सा मार्जिनल रेज दिखा रहा हूं, वैसे तो ये पेरेक्सियल रेज होती है पर डायग्राम क्लियर नहीं दिखेगा। तो यहां पर आप समझो कि ये लाइट रे यहां पर इमेज बनेगी, मतलब ओ इज द ऑब्जेक्ट और उसका वर्चुअल इमेज बन रहा है आई वन। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी इसे मैं एच डैश कह देता हूं, ये एच डैश जो होगी, अब आप समझो ये वाली लाइट रे बेटा किस ऑब्जर्वर की आंखों तक पड़ेगी। तो अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पे हो, किस मीडियम में, म्यू टू में जो ऑब्जर्वर होगा, म्यू टू में जो ऑब्जर्वर होगा उस ऑब्जर्वर की आंखों पे ये लाइट रे पड़ेगी। मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए ये रियल डिस्टेंस है, उसकी ये अपेरेंट वैल्यू हो जाएगी। तो अपेरेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देता हूं, ऑब्जर्वर है म्यू टू में और रियल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा एच वन और उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन है। ये हमारी ये अपेरेंट वैल्यू है, एच डैश वैल्यू आ गई। अब ये देखो कि ये जो आई वन है, ये जो लाइट रे जा रही है वो यहां से आती हुई महसूस होगी, तो इस सर्फेस के लिए आई वन ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इनका जब दोबारा रिफ्रेक्शन होगा, सपोज इसे दूर जा रही लाइट रे और तो इनका जब दोबारा रिफ्रेक्शन होगा तो इनसे जो एक फाइनल वर्चुअल इमेज बनेगी वो जहां दिखाई पड़ेगी दैट विल बी योर अपेरेंट डिस्टेंस। ये बच्चों आपकी अपेरेंट डिस्टेंस होगी। फाइनली ये वाली लाइट रे जो ऑब्जर्वर ऊपर होगा उस ऑब्जर्वर की आंखों तक पड़ेगी, ये वाली जो लाइट रे है वो उस ऑब्जर्वर की आंखों पर पड़ेंगी जो ऑब्जर्वर सबसे ऊपर होगा। तो फाइनल एच अपेरेंट के लिए क्या करेंगे, ऑब्जर्वर यहां पर है पर ये लाइट रे म्यू टू से म्यू में रिफ्रेक्ट हो रही, तो ऑब्जेक्ट जो है ये वर्चुअल इमेज था जो कि ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे, तो यहां पर ये जो डिस्टेंस होगी पूरे की पूरी ये इस मीडियम की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी दिस इज एच टू प्लस एच डैश डिवाइडेड बाय म्यू टू। अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो एच टू बाय म्यू टू